हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे भाई की सभी भाइयों को आज दोस्तों हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि एक बहुत बड़े एनिमल लवर है, जो कि जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें शौक है इन चीज का। उन्होंने क्या क्या शौक रख रखे हैं और कैसे शौक अपने पूरे करते हैं और कैसे कैसे रखते जानवरों को कैसे रखते हैं, उनका रखना रखाना कैसा रखते हैं, वो सभी बातें बताएंगे अपने सदाम भाई। तो मिलिए भाई अपने सदाम भाई से। राम राम भाइयों, सारे भैया ना, राम राम भाई मेरे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कि आप रफेल की माँ से भी मिलाएंगे भाई, तो जैसा हमने वादा किया था, ये देखो आपके आगे है भाई रफेल की माँ, जिसके ओनर है अभी सुदाम भाई। तो भाइयों, ये फीमेल मैंने सुदाम भाई को गिफ्ट की थी। तो सुदाम भाई, ये कैसी फीमेल लगी आपको, क्योंकि इसके बारे में पहले सुना था कि अग्रेसिव फीमेल है, आपको इसका सब कैसा लगा बताओ भाई। ये बहुत बढ़िया फीमेल है और जैसे अग्रेसिव है, ये पाड़ती है वो करती है, जैसे हम मेरे पास से खुले में रहती है, आज तक तो इसने किसी को कुछ कहा नहीं है। बहुत शरीफ है मेरे हिसाब से, वैसे कोई बंदा नहीं आता तो इसको आई लेंथ इसकी देख कर तगड़ी है, वैसे खुद ही डर जाते हैं, वैसे किसी को कुछ नहीं बोलती। तो भाई साहब, इसकी आपने क्या डाइट प्रोसीजर क्या चला रखा है अभी? डाइट भाई सुबह तो ये दही लेती है और दोपहर को जैसे एक दो रोटी हल्की फुल्की सब्जी दे देते हैं और शाम को इसको देते हैं चिकन। चलो दोस्तों देखो, इसको नहलाया जा रहा है, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अपने अपने बुल्ली डॉग को कम से कम एक दो दिन में या तीन दिन में तो एक बार नहलाना जो जरूर चाहिए। ये फीमेल है भाई कुम्मी की बच्ची और किंग शेरू की बच्ची, जो कि किंग शेरू इंपोर्ट है और कुम्मी थी इसकी। इसकी जो नाना नानी थे वो थे काड़ू और पेरिस की बच्ची थी कुम्मी, और उसकी बच्चे ये किंग शेरू से मेट करवाई थी इंपोर्ट से, जो मंजीत भाई के पास से सिवा गाँव में पानीपत के पास उनकी ये बच्ची है भाई। और ये अपनी तारीफ की मोहताज नहीं है ये फीमेल, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना तगड़ा है, जो अपने पास है रफेल डॉग है जो वो इसी का बच्चा है, और इसके और भाई भी 35-35, 36-36 इंच के हैं, जो कि अपनी इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट हैवी डॉग है उनकी मदर है ये। अच्छा सुदाम भाई, आपने जिस दौरान ये मेटिंग करवा दी उसके बीच में भाई कोई वैक्सीन इसकी करवाई? भाई जिस दिन ये 40 दिन की क्रॉस होनी थी तब मैंने इसको टेटनस लगवाया था, खाली टेटनस। हाँ भाई, तो ये सभी भाई लगवाते हैं क्योंकि इसका कारण ये होता है, क्योंकि कई बार जैसे फीमेल बच्चे दे देती तो भाई दूध में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बच्चे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सभी बच्चे इसके मर जाते हैं। इसलिए भाई इसकी ना टेटनस वगैरह और एक वैक्सीन और होती है भाई, वो आपने करवाई नहीं, वो करवानी बहुत जरूरी होती है। हम आपको इसकी कुत्तों के साथ साथ और क्या शौक रखते हो भाई? भाई और शौक है भाई जानवरों का, जैसे घोड़ी का है, गाय रखता हूँ और भैंसों का है भाई। जैसे साथ साथ शौक के साथ साथ मेरा ये बिजनेस भी है, दूध भी बेचता हूँ और भैंस ले आदि चीज़ें करता हूँ। जैसा कि भाइयों आपने देखा, हमने बताया रफेल की माँ के बारे में, जैसे आपको वादा किया था भाई, और हमें मैसेज भी आया था कि मैं रफेल की माँ को दिखाऊँ, उसके बारे में आपने बताया था। तो भाई आपने देखा, ये है रफेल की माँ, इसका नाम है लीजा और इसका इंट्रोडक्शन आपने पूरी वीडियो में दे दिया हमने, आपने सुन लिया। कैसी लगी मेरे को कॉमेंट करके बताना, और अगर मेरे से भाई कोई गलती हो तो आपके भाई से तो मेरे को माफ़ करना, मेरे लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। नमस्कार सभी।